भिवंडी के हंडी कंपाउंड में एमआईएम के जनसभा का किया गया आयोजन, जनता का मिला अच्छा प्रतिसाद। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बीच लोकसभा के चुनावी एमआईएम के कैंडिडेट अकरम खान उर्फ बाम्बूवाला जनता के बीच जाकर अपने विकास के कामों का वादा कर जनता से मत मांगते हुए दिखाई दिए। वही तस्वीर हंडी कंपाउंड की है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में स्थानिक महिला पुरुष उपस्थित होकर एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अकरम खान उर्फ बाम्बू वाले को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान स्वागत करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ में एमआईएम के भिवंडी शहर कार्याध्यक्ष आदाब उस्मानी, युवा अध्यक्ष हमजा सिद्दीकी के साथ एमआईएम के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस जनसभा में दिखाई दिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जहां एमआईएम का एक तरफ विरोध किया जा रहा है तो वहीं पर भारी संख्या में इन्हें समर्थन भी दिया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर हंडी कंपाउंड की है और आपको बता दें कि अकरम खान उर्फ बाम्बूवाला एमआईएम के भिवंडी लोकसभा 23 के उम्मीदवार हैं और जनता के बीच मत मांगने के लिए जगह जगह पर जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, रैलियां निकालकर जनता से मत मांगते हुए दिखाई दिए। सलाम भाई, क्या कहेंगे, किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमें देखते हैं कि कुलीन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी चुनावी मैदान में आती है तो एक आम धारणा जनता के बीच में डाली जाती है कि ये बीजेपी के लिए खड़ी है, बीजेपी ने इसको वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि कुलीन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक पॉलिटिकल फ्रंट है और 2014 से भिवंडी में लगातार हर मुद्दे पर काम कर रही है। न सिर्फ काम कर रही है बल्कि 2014 में आदरणीय अकरम खान साहब ने भिवंडी पूर्व विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में वोट पाने का शर्फ हासिल किया था। साथ ही 2019 के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट से आदरणीय खालिद गुड्डू साहब को 45,000 वोट मिला था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन पे न सिर्फ काम है बल्कि आवाम के बीच में अच्छा जो है प्रभाव है। इसी को देखते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया है। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है वैसे हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये जो आम धारणा जनता के बीच में डालने वाले लोग हैं, ये आरएसएस के लोग जो ये नहीं चाहते कि मुसलमान जीते, अगर वो सेकुलर हैं तो क्यों मुसलमान को टिकट नहीं दिया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो ना सिर्फ मुसलमान को टिकट दिया बल्कि जिताने का भी काम किया। क्या रियासत है महाराष्ट्र में पिछले बार लोकसभा चुनाव पहली बार हो रहा था, 75 साल में जैसे सब जगह चुनाव था वैसे ही हुआ, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस या ओसीसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमान को नहीं जिताया? हमने तो टिकट भी दिया, जिता कर भी दिया। आपका तो आरिफ नसीम खान कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद, मंत्री था कैबिनेट, उसके बावजूद आपने उसको टिकट नहीं दिया। हम तो आपको ये आह्वान करे थे कि आप अगर किसी भी मुसलमान को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं तो हम जो है अपने नुमाइंदे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो इसका मतलब आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आप किस मानसिकता पे काम कर रहे हैं। शरद भाई, आपके पहले भाषण में या तो फिर अभी भी जब मीडिया से बात करें तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ, इसमें गलत क्या है? डेवलपमेंट तो मुसलमान का नहीं हुआ, वही बात हो रही है। मुस्लिम ज्यादातर अक्सरियत में, ना सिर्फ भिवंडी में बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ मुसलमान रहता है। वहाँ का मुसलमान का जो बिलो पॉवर्टी लाइन ले रहा है उसको जो है अपग्रेड करने का, उसका विकास करने का कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने काम ही नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, ये सवाल के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि चलो एमआईएम बीजेपी के एजेंट है, अगर ये बात जनता तस्लीम कर ले, आप सेकुलर हो, शरद पवार सेकुलर है, बाला मामा सेकुलर है, तो आप सेकुलर हो तो हिंदू मुसलमान दोनों की बात करते हो, करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का फैसला गलत था, ये क्रिमिनल अफेंस है, बाला मामा इस बात की तायद करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, और जो शिवसेना ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका हाथ नहीं पैर था, वो बाला मामा उस बात का खंडन करे। साथ ही भिवंडी शहर में क्वार्टर गेट पर जो मुसलमानों पर गोली चलाई गई, वो बच्चा शहीद हुआ था, बाला मामा बोले कि उनकी पार्टी ने गलत फैसला किया था, उनका गृह मंत्री था, शरद पवार थे उनके पार्टी के अध्यक्ष, तो उनको बाला मामा ने बोलना चाहिए कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई थी। सिर्फ टोपी लगा लेना, दरगाह पे चादर चला लेना, इससे आपका सेकुलरिज्म साबित नहीं होता। एमआईएम का सेकुलरिज्म तो साबित हो रहा है ना, सही में सेकुलर पार्टी है। आप देखिए ना, सिर्फ तेलंगाना में बल्कि महाराष्ट्र में हमने अनगिनत हिंदू भाइयों को टिकट दिया, दलित भाइयों को टिकट दिया, ना सिर्फ दिया बल्कि जिताने का काम किया। रियासत महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पहली बार जब औरंगाबाद में
महानगर पालिका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 27 नगर सेवक जीत कर आए, तो मेयर उम्मीदवार कौन था? हमारा दलित भाई था जी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारे 6 नगर सेवक हिंदू और दलित भाई चुनकर आए। तेलंगाना में आप देखिए कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की क्यादत में और अभी बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क्यादत में अनगिनत नगर सेवक जो है हिंदू भाई चुनकर आ रहे। आप ये देखिए हैदराबाद के मेयर में 2 बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे गैर मुस्लिम भाई को मेयर बनाया, ना सिर्फ कॉर्पोरेटर बनाया बल्कि मेयर भी बनाया। आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमान को क्यों नहीं जिता रहे हो? हम तो हिंदू मुसलमान दोनों को मौका दे रहे। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव देख लो आप, हमने 7 सीट में भले से माहौल नहीं बना तो भी 7 सीट में हमने 2 गैर मुस्लिम भाई को टिकट दिया था, अंजलि स्वामी और रमेश सनपल अन्ना को टिकट दिया था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप तो टिकट ही नहीं दे रहे चुनाव के जाने की। मतलब आपकी धारणा जो है, जो अबू असीम आजमी बोलते हैं मुसलमान का लीडर मुसलमान नहीं हो सकता, मतलब यादव का लीडर यादव हो सकता है, ठाकुरों का लीडर ठाकुर हो सकता है, गुज्जरों का लीडर गुज्जर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का लीडर मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये आरएसएस की सोच है। ये चुनाव हम आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, शिवसेना, ये सब आरएसएस की एक ही शक्ल है। शादाब भाई, जब से आपका चुनावी प्रचार शुरू हुआ है तब से आपने जो है अपनी सभा की वो मुस्लिम इलाकों में की है, हिंदू इलाकों में क्यों? देखिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संगठन है वो ऑलमोस्ट जिस जिस इलाकों में बना हुआ है हम उस इलाके के जिम्मेदार के साथ संवाद करके ये मीटिंग कर रहे हैं। यकीनन गैर मुस्लिम बहुत से इलाकों में हमारा संगठन नहीं है, आने वाले वक्त में हम उस पर काम करेंगे। जिस तरह औरंगाबाद में तेलंगाना के बाद औरंगाबाद में एक औरंगाबाद ने एक मॉडल पेश किया, वो मॉडल हम भिवंडी में भी लाने की कोशिश करेंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का प्रतिसाद, किस तरह का सपोर्ट जो है पब्लिक आपको दे रही, खास करके मुस्लिम इलाकों? देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुस्लिम इलाके में हम लोग जा रहे हैं सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा भी नहीं, लोगों से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि कोई कैंडिडेट कभी तक देखा नहीं है किसी मुस्लिम इलाके में, उनके दलालों को लोग देखते हैं और लोग काम करते हैं बस। अच्छा, तो आप खुद जा रहे हैं? खुद ऐसा कैंडिडेट जा रहा हूँ अपने इलाके में, लोग मेरे को पहचानते भी है और बचपना मेरा इधर ही गुजरा है और लोग कहीं 70 किलोमीटर दूर से है, कोई 25 किलोमीटर दूर से है, उनको लोग जानते भी नहीं है, खाली ये जो उनके जो बगड़ा बिल्ले घूम रहे बस उनके ही काम है बस। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर के, आखिरी नतीजा क्या होगा? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग वोट दें और कामयाब करें, जो भी काम होगा हम लोग करके देंगे। भिवंडी के लोग आज तक तो कोई काम हुआ नहीं है, ना मुसलमानों के इलाके में तो कोई जाता भी नहीं जाने भी। ठीक।